हेलो एवरीवन, ये स्टामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 3 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट की स्टार्टिंग में मिस्टर पन्नाया पावत को कहते हैं, अगर तुम उन पर केस करोगे तो मीडिया की नजरों में आ जाओगे, इससे बेहतर तुम्हें सबूत ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। पावत उनकी बात से एग्री करता है। देन जब वो जा रहा होता है, उसी वानिदा का नाम सुनाई देता है। वहाँ देखने लगता है एंड वहाँ वानिदा ही होती है। वानिदा की कॉलीग अपना काम उसे करने को दे रही होती है। पावत कह रहा होता है उसे मना कर दो, बट वो तो हाँ बोल देती है। पावत आकर कहता है, मेरी वानिदा के साथ डेट है। वानिदा उसे देखकर हैरान हो जाती है। वह कहता है, तुम्हारा वक्त मेरा है। उसे ले जाता है, उसे डांटता है, किसी की भी मदद क्यों करती रहती हो। वह थैंक्स करती है बट उसे वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए वह वॉशरूम भाग जाती है। चार्ट कहता है, कौन थी वो, आप उसकी बड़ी फिक्र कर रहे थे। पावत उसे कुछ काम देकर वहाँ से भगा देता है। वानिदा को वॉशरूम में एक लेडी कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। वानिदा हैरान होकर प्रेगनेंसी के साइन पढ़ने लगती है। पावत वेट कर रहा था, वो लेडी बात करते हुए जाती है। वॉशरूम में जो लड़की थी, शायद वो प्रेग्नेंट है बट उसे पता ही नहीं। पावत घबरा जाता है, वानिदा से उसकी तबीयत पूछता है। वानिदा कहती है, शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। पावत ही सुन के रिलैक्स हो जाता है। वानिदा को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। वह कहती है, मैं ऑर्फनेज जा रही हूँ। पावत उसका फोन मांगता है, फोन लेकर अपना नंबर उसके फोन में सेव कर देता है। कहता है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, कुछ भी हो। ताया बच्चों के साथ होता है, बच्चे वानिदा की बात कर रहे होते हैं। देन वो थाया से हाइड एंड सीख खेलने के लिए कहते हैं। थाया ऑर्फनेज के चर्च में छिप जाता है। वानिदा चर्च में आती है गॉड से कन्फेशन करने के लिए। थाया उसकी बात सुन रहा होता है। वो अपनी स्टोरी बताती है एंड कहती है वह सिक फील कर रही है। थाया उससे कहता है, तुम्हें अपना शक दूर कर लेना चाहिए। वानिदा उसे थैंक्स बोलती है। जब जा रही होती है, थाया उससे कहता है, अगर तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो तो मास्क पहन कर चली जाना। वानिदा वहाँ से चली जाती है। बच्चे आकर कहते हैं, आपने सिस्टर वानिदा को रोका क्यों नहीं, वो हमें ज्वाइन कर लेती। हया कहता है, वो लड़की वानिदा थी। वानिदा को दिखाते हैं, जो मास्क के साथ साथ रेनकोट एंड हेलमेट भी पहनकर जाती है टेस्ट किट खरीदने। शॉप में बैठा पर्सन न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में हेलमेट वाले रॉबर के बारे में देख रहा होता है। वानिदा को देखकर डर जाता है, उसे फ्री में ही सामान दे देता है। उसे जाता देख पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वानिदा वॉशरूम में होती है, पुलिस को बताता है कि वो रॉबर वॉशरूम में छुपा हुआ है। वानिदा रिजल्ट का वेट कर रही होती है। पुलिस एंड मीडिया बाहर ही होते हैं। न्यूज का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, जो पावत भी देख रहा होता है। वानिदा को शोर सुनाई देता है, तभी पुलिस अचानक से डोर खोल देती है एंड वो टेस्ट किट फेंका जाता है। ऑफिसर उसे उठा लेता है। सभी लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं। वानिदा हैरान परेशान खड़ी होती है। सभी एक साथ कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पावत खुद को काम डाउन करता है एंड चार्ट के पास कॉल लगाता है। क्या मॉम को दिखाते हैं, जो कि एंटीना ठीक कर रही होती है टीवी का। टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है। वानिदा का चेहरा देखने से पहले ही सिग्नल चला जाता है। वानिदा की बड़ी बहन उन्हें एक लेटर देती है, जो वानिदा के लिए आया था। वानिदा पेन के साथ होती है और रो रही होती है। मॉम का कॉल आता है। वानिदा घबरा जाती है। मॉम उसे डांटती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी कॉल कट जाता है सिग्नल वीक होने की वजह से। वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। पीए पावत को तसल्ली दे रहा होता है। पावत कहता है, अभी हमें वीडियो डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। पीए कहता है, हम कल ही सानू के पास चलेंगे उससे मिलने। नेक्स्ट डे वानिदा एंड पावत दोनों टाउन जाने के लिए आए होते हैं, बट एक दूसरे को नहीं देख पाते। ताया दादी से मिलने आया होता है। दादी उसे बचपन से जानती है, क्योंकि ताया ऑर्फन था। वो कहती है, अगर मैंने विलियम को तुम्हें अडॉप्ट नहीं करने दिया होता तो आज तुम मेरे पोते होते। ये दोनों आते हैं, कहते हैं हमें आपको कुछ दिखाना है एंड वो वीडियो चला देते हैं। दादी गुस्से में होती है लेकिन कहती है, पावत ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर फेक वीडियो होगा। यहाँ मॉम कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वानिदा कहती है, अगर न्यूज पे नहीं आता तो मैं आपको नहीं बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मॉम शॉक्ड हो जाती है। वानिदा कहती है, आपने मुझे यहाँ बुलाया था। मॉम कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि बैंक से नोटिस आया था, तुमने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया। ये सब क्या है, चलो मेरे साथ सब एक्सप्लेन करना मुझे। उसे मारते हुए ले जाती है। यहाँ पावत पहुँच जाता है। उनसे कहता है, मुझे मेमोरी कार्ड दे दो, अदरवाइज मैं फैक्ट्री सानिसो को सेल कर दूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सानिसो कोई माफिया है। पावत कह रहा होता है, फिर सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। सोम उसे वार्न करता है, वो वीडियो अपलोड कर देगा इंटरनेट पर।
उसे कॉल आता है उसकी वाइफ का, वो बताती है मॉम वानिया को बहुत मार रही है, उसे बचा लो मॉम के गुस्से से, सब कुछ बता देती है। सोम कहता है डैड वानिया प्रेग्नेंट है। अंकल सानो कहते हैं तुम कहीं मत जाना मैं अभी आया। मॉम कहती है कौन है बेबी का फादर, वह कहती है सब मेरी ही गलती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। मॉम उसे मारने लगती है। ये दोनों भी यहाँ आ जाते हैं पता पूछते हुए। सोम कहता है मतलब वानिया सच में प्रेग्नेंट है। पावत ये सब सुन लेता है। मॉम उसे कह रही होती है तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दोनों सिस्टर्स मॉम को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। अंकल सानो कहते हैं मुझे ही उसे समझाना होगा। उन्हें हटाकर पावत जाने लगता है, कहता है मैं हूँ बेबी का फादर। वानिया डिनाय करती है। पावत कहता है वो जिम्मेदारी लेगा। मॉम उसे ही मारने लगती है। पावत बताता है उसे नहीं पता था वानिया प्रेग्नेंट है। मॉम कहती है तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता होगा, उससे उसकी फैमिली को कॉल करवा रही होती है। दादी के पास पावत का कॉल आता है। मॉम पावत से फोन छीन लेती है, दादी को सब बता देती है। वह कहती है बेबी अगर पावत का है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वे लेंगी। धारिका नाटक करने लगती है, कहती है आप इन सब से कैसे डील करेंगी। ग्रैंडमा कहती है खुश होते हुए उन्हें तो गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से, उनके परिवार का वारिस। धारिका कहती है उस लड़की के बैकग्राउंड का हमें कुछ नहीं पता, एंड इस बात की क्या गारंटी है कि वो बेबी पावत का ही है। दादी कुछ नहीं कहती। मॉम पावत को स्टोर रूम में ले आती है, उसे लॉक कर देती है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। वह गुस्सा कर रहा होता है। चार्ट पूछता है प्रेसिडेंट कहाँ पर है। मॉम कहती है वो स्टोर रूम में है। जब वो कहता है मैं भी जाऊंगा तो मॉम उसे मना कर देती है। मॉम वानिया को देखती है और उससे कहती है वो मरा नहीं है। ठीक है कम से कम उसने एडमिट तो कर लिया कि वही बेबी का फादर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मॉम चली जाती है। मॉम के जाते ही वह चाबियां ले लेती है एंड स्टोर रूम पहुंच जाती है। पावत छिपा हुआ था, उसे लगता है वानिया की मॉम है और पकड़ लेता है उन्हें, बट वो तो वानिया थी। मॉम उन दोनों को ही लॉक कर देती है। वानिया के हाथ में चाबी देखकर कहती है तुम आज यहीं रहोगी। वानिया उसके लिए कुछ खाने को लाई थी। वह गुस्से में होता है, वह ट्राई करने को कहती है, वह पूरा फिनिश कर देता है।